यार दोस्तों, आप लोगों ने अब तक जो है मयंक यादव का नाम सुन लिया होगा। मयंक यादव की बात करें तो मयंक यादव ने जो है पहले जो जब डेब्यू किए थे उस मैच में 3 विकेट लिए थे, और कल के मैच में भी उन्होंने जो है आरसीबी के खिलाफ 3 विकेट लिया। अगर उनके बात करें अभी तक जो उन्होंने विकेट्स लिए तो सबसे पहले प्लेयर रहे उनके जॉनी बेस्टो जो उन्होंने आउट किया, उसके बाद प्रभसिमरन सिंह, उसके बाद जितेश शर्मा, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, उसके बाद कैमरन ग्रीन और उसके बाद जो है रजत पाटीदार। अगर बात करें उनकी स्पीड की तो वो जो इतनी स्पीड से बॉल डालते हैं, उनकी एवरेज स्पीड की बात करें तो 150 के आसपास का उनका एवरेज स्पीड रहता है। और कल की बात करें तो कल जो है उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया जो उन्होंने लास्ट मैच में 156 के आसपास का जो है मतलब आईपीएल 2024 का जो है फास्टेस्ट डिलीवरी डाली, तो कल उन्होंने 157 के आसपास की डिलीवरी डाली और उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया। और कल के मैच में बात करें तो उन्होंने जो है मतलब 3 विकेट लिए 14 रन देके। और इनकी बॉलिंग की बात करें तो इनकी बॉलिंग जो है सामने वाले प्लेयर्स वगैरह को समझ में नहीं आ रही कि कैसे खेला जाए, और जो है इनके लिए जो है मतलब बहुत सारे प्लेयर्स वगैरह बहुत ज़्यादा ही बधाइयाँ वगैरह दे रहे हैं कि मयंक यादव जो न्यू सेंसेशन, न्यू स्पीड स्टार, तो टीम इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं और उम्मीद है इस बार जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है तो मतलब जो आपका T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उनका चयन होगा और ये जो है मतलब बेहतरीन करेंगे। अगर बात करें इनका, अगर कंपैरिजन किया जाए उमरान मलिक, तो उमरान मलिक के पास जो है लाइन लेंथ नहीं है इतनी बेहतरीन, बट इनके पास जो लाइन लेंथ के साथ साथ स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी है, और इनकी जो है जो लीथल डिलीवरी है बहुत बेहतरीन डिलीवरी है। और पाकिस्तान जो बोलती थी कि हमारे पास जो है मतलब पेस बॉलिंग में हम अगर ईंट से एक ईंट भी निकालते तो हमारे पास जो है ऐसे हमारे पास बॉलर्स है जो 150 के आसपास, तो अब इंडिया भी ये बोल सकती है कि हमारे पास भी जो बॉलर है, मयंक यादव की बात करें चाहे उमरान मलिक की बात करें, तो स्पीड नए नए स्पीड स्टार आ रहे हैं और ये जो है आईपीएल 2024 की बहुत बेहतरीन खोज है। और अगर इनकी बात की जाए तो आपको एलएसजी की टीम ने इनको मात्र 20 लाख रुपये में ख़रीदा है, तो 20 लाख रुपये में ख़रीदा है, और जैसा ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं मॉर्नी मोरकल जो इनके कोच है एलएसजी टीम के बॉलिंग कोच, उनके साथ मिलके बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल जो है मॉर्नी मोरकल आके इनका जो प्रोत्साहन मतलब इनका जो मतलब हौसला अफजाई भी किया था कि इन्होंने जो 3 विकेट निकाले थे, और इनके बदौलत ही जो है कल का मैच जो आरसीबी जैसे बड़ी टीम को एलएसजी की टीम ने बड़े ही आसानी से हरा दिया है। तो आप लोगों को नज़रें रखनी पड़ेंगी मयंक यादव के ऊपर, नेक्स्ट वीक थिंग इन इंडियन क्रिकेट। तो उम्मीद है मयंक यादव जैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो वैसा ही परफॉर्मेंस करेंगे, और आगे जो है शोएब अख्तर का जो रिकॉर्ड है 161.3 या कुछ आसपास का जो स्पीड है इसको ब्रेक करेंगे, अभी ये छोटे, और उम्मीद है इन्हीं से कि ये जो है मतलब बेहतरीन तरीके से अपने ऊपर अपनी फिटनेस के ऊपर काम करेंगे और थोड़ा मसल्स वगैरह गेन करेंगे तो ये और जो है मतलब स्पीड वगैरह निकालेंगे अपनी तरफ से। तो मयंक यादव को जो जिन्होंने दोनों मैच में परफॉर्मेंस दी है उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, और उम्मीद है वो ऐसा ही कंटिन्यू करते रहेंगे और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी और टीम इंडिया के लिए भी अगर उनका सिलेक्शन होता है आईपीएल मतलब आईपीएल के बाद जो है जो टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रही है।